कर देंगे। ये चीज़ें एडिशनल है। आप अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? तो गाइस, आज हम बनाएंगे कद्दू का हलवा, जिसे हम पेठे का हलवा ही बोलते हैं। ये वैसे तो अमूमन सर्दियों में खाया जाता है, सर्दियों में बनाया जाता है, लेकिन यह है कि इसकी सब्ज़ी बनाई थी और किसी ने इतने शौक से नहीं खाई घर पे, तो ये मेरे पास दो कद्दू पड़े हुए थे। ठीक है, मैंने सोचा चलो इसका पेठे का हलवा बनाते हैं। तो इसके लिए मुझे ये दो कद्दू चाहिए। ये मैंने 300 ग्राम चीनी ली है, ठीक है, ये कोकोनट क्रश की भी ली है, उसके बाद ये खोया लिया है, ये देसी घी लिया मैंने, ठीक है, और ये बादाम लिए मैं क्रश किए हुए। ठीक हो गया। सबसे पहले हमें ये जो कद्दू है इसको क्रश करना है, कद्दूकश करना है इसके साथ, काट के साफ करके। तो पहले इसको हम कद्दूकश करते हैं। चलें, ये देखिए जी, इसको काट के छील के अच्छी तरह धो लिया, सही है। अब इसको हम कद्दूकश करेंगे, ठीक है। ले जी, अब हम इसको कद्दूकश कर, ये देखिए जी, हमने इसको कद्दूकश कर लिया, ठीक है। अब हम इसका पानी अच्छी तरह निचोड़ लेंगे, इसको ड्राई कर लेंगे। ले जी, हमने पानी इसका अच्छी तरह से निचोड़ लिया, ठीक है। ये देखिए, अब हम इसको आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये लीजिए, घी गर्म हो गया, ठीक है। अब इसमें जाएंगी ये इलायची, मीडियम फ्लेम रखेंगे। ठीक है जी, ये घी गर्म हो गया। अब इसमें हम डालेंगे करके, ठीक है जी। अच्छी तरह फ्राई करेंगे पहले। ये फ्राई हो रहा है जी, देखो, इसे अच्छी तरह भूनना। जब ये ऑयल छोड़ना शुरू हो जाएगा, फिर बाद में इसमें शुगर ऐड करेंगे। ये देखिए, पेठे ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया। अभी मज़ीद पकाएंगे इसको। ले जी, हलवे में घी आना शुरू हो गया नज़र, पानी ड्राई हो गया काफ़ी हद तक, ठीक है। तो देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। ये मैंने ली है तकरीबन 300 ग्राम, ठीक है। शुगर डालने के बाद आपने चम्मच हिलाते जाना है, सही है, वरना नीचे से आपका हलवा लग जाएगा अगर आप चम्मच रोक देंगे तो। आपने चम्मच को मसलसल हिलाते जाना अच्छी तरह, और इसको फिर पकाना जब तक चीनी अच्छी तरह हल नहीं हो जाती। एक दफ़ा चीनी का पानी, एक दफ़ा ड्राई होगा, ये देखें, ठीक है। अब इसको पकाना है मज़ीद। जो चीनी हल होगी अच्छी तरह, हलवे ने अपना कलर चेंज कर लिया, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें हम ऐड करेंगे ये कोकोनट क्रश की हुई, इसको अच्छी तरह भून लेंगे और भून लेंगे। जब घी बिल्कुल अलग नहीं हो जाता हलवे से, तब तक इसको भूनना है। ये देखिए, कोकोनट डालने के बाद मज़ीद भूनना इसको, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये खोया,
जितना था मेरे पास किचन में जो जो चीज़ें अवेलेबल थी मैंने वही यूज़ की है, कोई स्पेशल मार्केट से नहीं लेके आया। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है हलवे की। अब इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट हम भूनेंगे जब तक खोया अच्छी तरह हल नहीं हो जाता। बहुत मुलायम हलवा ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेठे का हलवा रेडी है। ठीक है, घी जो है वो नज़र आना शुरू हो गया, अच्छी तरह पक गया। हम चूल्हा कर देंगे बंद और इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा पेठे का हलवा रेडी है, ये देखें। ठीक है, अब इसमें ये जो बादाम है ये हम ऊपर गार्निश कर देंगे। ये चीज़ें एडिशनल है, आप जो भी ऐड करना चाहें ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, देखिए जी हमारा पेठे का हलवा रेडी है। सो गाइस हमारा हलवा रेडी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, शेयर कर लें, और जिन अहबाब ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सी यू गाइस, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ये जी मेरे से का हलवा आ गया मेरे पास, गलवा वाले ट्राई कर लिया और बहुत तारीफ़ की उन्होंने कि बहुत मज़े का बना, तो अभी हम भी खाते हैं, ट्राई करते हैं। मैंने वैसे पहले ट्राई नहीं किया, जस्ट मैंने शुगर चेक की थी कि मीठा ठीक है तो वो ठीक था, लेकिन रेडी होने के बाद मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन खुशबू वगैरह से लग रहा था कि अच्छा बना है। तो अभी हम इसको करते हैं, खाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेहनत किसी भी चीज़ पे की जाए तो वो रंग लाती है। कोई भी आप चीज़ बनाएं, कुकिंग करें, दिल से करें, तो इंशाल्लाह अगर आप प्रोफेशनल नहीं भी हैं ना तो आप अच्छी कुकिंग करेंगे, अगर आप दिल से कोई चीज़ बनाएंगे तो। माशाल्लाह जी बहुत मज़े का बना जी, ऑसम। बाय बाय गाइस।